नमस्कार। आप में से बहुत से लोग उत्तराखंड लोअर पीसीएस की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और इस तरह की खबरें जब आपने अखबार में पढ़ी होंगी तो शायद आपके मन में भी कुछ प्रश्न आए होंगे। दरअसल एक कोर्ट केस फाइल हुआ था, एक इशू, एक मुद्दा जिसको हमने उठाया था वो था 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर। तो उसके अगेंस्ट में कुछ लोग और बहुत सारे लोगों के समर्थन से वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में कुछ कार्रवाई हुई जिसकी रिपोर्टिंग ये अखबार में है। कहीं पे लिखा है कि आंदोलनकारियों को आरक्षण किस आधार पे दिया गया, सरकार को बताना है, हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि पूछा गया है, लोअर पीसीएस की भर्ती लटक गई है क्या, ऐसे कुछ कई सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन वो रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हुई है। कोर्ट का ऑर्डर संभवतः ये जो न्यूज़पेपर्स में छपा है इनमें से किसी ने पढ़ा नहीं तो इसलिए उसको ठीक से बताया नहीं। तो क्या कोर्ट का ऑर्डर था, क्या इसका मतलब है और आपको क्या करना चाहिए, वो बातें हम यहाँ वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोर्ट का ऑर्डर क्या था, ये रेलेवेंट पैराग्राफ है कोर्ट के ऑर्डर से जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे पैराग्राफ को, और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7, परसुएंट टू दिस नोटिफिकेशन डेटेड 18/8/2024, ये एक्ट के नोटिफाई होने की बात कर रहा है। अ रिक्विजिशन हैज बीन सेंट बाय द स्टेट टू द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 21/8/2024। 18 को एक्ट उन्होंने पास किया, 21 को सीधा उन्होंने भेज दिया कहां पे कि लोअर पीसीएस की भर्तियों में ये आरक्षण लगना चाहिए 3 दिन बाद ही। तो उसके लिए लेटर भी हमने देखा था, इसका भी हम देखेंगे। तो जो लेटर भेजा गया है, जो रिक्विजिशन जिसे अधियाचन कहते हैं हिंदी में, भेजा गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर रिजर्वेशन इन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, दिस लेटर विल बी स्टेड। इसका मतलब ये है, पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है, नोटिस रिगार्डिंग स्टे ऑफ द लेटर डेटेड 21/8/2024। ये लेटर जो है ये स्टे हो गया है। अर्थ ये है कि इसमें जो अधियाचन भेजा गया था और जो पोस्ट उसमें भेजी गई थी वो स्टे हो गई है, उन पर अभी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इसका अर्थ अब क्या हुआ ये जान लेते हैं, और बाकी सारी बातें उसमें प्रोसीजरल है, उसका हमसे बहुत लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले कि ये कौन सा लेटर था जो स्टे हो गया, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने संभवतः वो लेटर देखा भी होगा, हमने भी अपने ग्रुप में और यूट्यूब में भी शेयर किया था। ऐसा कुछ लेटर था दिनांक 21 अगस्त 2024, जो कि 117 पोस्ट के लिए था, नायब तहसीलदार वगैरह की पोस्ट थी, जिसमें से 7 पोस्ट राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षित थी, रिजर्व थी। तो ये लेटर स्टे हो गया है, यानी अब ये अधियाचन आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई और यहां से अंदाजे लगाना बहुत उचित नहीं होगा, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अधियाचन भेजने के बाद भी यूकेपीएससी ने इसको वापस किया था, कारण कि सिलेबस से संबंधित बातचीत चल रही है कि लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है क्या वो वही रहेगा या परिवर्तित होना है। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि कार्मिक विभाग का ये कहना है कि लोअर जो सिलेबस है, मेंस का स्पेशली जो सिलेबस है उसको चेंज किया जाएगा, चेंज करने के बाद दोबारा अधियाचन इसमें भेजा जाएगा। तो पहले तो कोर्ट के इस ऑर्डर से इसके लेट होने न होने का अभी कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, कुछ और प्रश्न यहाँ पे उठते हैं तो उनकी चर्चा कर लें, उसके बाद में फिर वापस इस पे आएंगे। लोअर पीसीएस एग्जाम जैसे मैंने बोला कि आने वाला है, डेफिनेटली आएगा। अब इस साल लेट में आएगा या अगले साल शुरुआत में आएगा वो नहीं कह सकते, ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे। लेकिन पहले भी और आज तक पिछले कई सालों में जितने भी ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं उनमें एक चीज कॉमन है, उसमें एक लाइन लिखी गई है कि इसमें जो भर्ती है एक्स वाई जेड कोर्ट में एक्स वाई जेड केस के अंतर्गत की जाएगी, यानी उसमें जो फैसला आएगा उसके अंतर्गत ये भर्ती की जाएगी। तो बहुत सारे अलग अलग आरक्षण को लेकर के कोर्ट में पहले से ही मैटर्स पेंडिंग हैं। एक और मैटर पेंडिंग हो जाएगा, इसकी वजह से नोटिफिकेशन रुकने का कोई प्रश्न नहीं है। वो सिंपली ये बोलेंगे कि भैया ये जो पोस्ट है इनका रिजल्ट हम एक लिफाफे में रख देंगे, इस पे किसको चयन देना है, किसको सिलेक्शन देना है, किसको अपॉइंट करना है वो डिसाइड तब होगा जब फाइनली जजमेंट आ जाएगा कि ये आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए। ये तो हुई लोअर पीसीएस की बात। दूसरा, बाकी एग्जाम्स पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो आंदोलनकारी आरक्षण है वो केवल एक एग्जाम के लिए तो है नहीं, अलग अलग सारे ही एग्जाम्स के लिए है, ग्रुप ए बी सी डी के जितने भी एग्जाम पूरे उत्तराखंड में होते हैं, भले वो लोक सेवा आयोग कराए या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एसएससी जो होता है स्टेट का वो कराए। तो
उनके एग्जाम्स क्या डिलेड होंगे या नहीं, अभी हाल में उसका कैलेंडर आ गया है, हालांकि हम ग्रुप सी को कैटर नहीं करते हैं, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे ये भी डिले नहीं होगा, वैसे ही वो भी डिले होने का कोई प्रश्न होता नहीं है, डिले होने का कोई कारण नहीं है। जानबूझ के करते हैं तो वो अलग बात है, कोर्ट केस की वजह से वो डिले करने का कोई कारण नहीं। तो इस बारे में आप अपने मन से शंका निकाल दीजिए। अब प्रश्न ये है कि इस कोर्ट केस का आगे होगा क्या, जो शायद एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बहुत सारे लोगों के मन में है कि अब आगे क्या होगा। अब हुआ क्या, मैं आपको जो मुझे पता चला, क्योंकि जिन्होंने केस फाइल किया है मेरे परिचित हैं, तो मुझे उनसे जो पता चला कि कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में जो वकील साहब हैं उन्होंने बोला कि ये आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ये ख़त्म किया जा चुका था, इसका कोई कारण नहीं है कि इसको रखा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है, जो वकील साहब हैं सरकार के महाधिवक्ता, जिनको एडवोकेट जनरल कहते हैं, उन्होंने बोला है कि साहब EWS आरक्षण भी तो 10% है, तो हमने इसलिए दे दिया, और कोई बेसिस नहीं है। कहने का मतलब उनके पास अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग दलील नहीं है इस आरक्षण को रखने की। EWS में क्लासिफिकेशन है जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड है, यहाँ पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। आप में से जो लोग पॉलिटी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का जो अधिकार है, वहां पे ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा करके और कोई भी आपको वहां पे सुविधा दे दी जाएगी, एक्सेप्शन दे दिया जाएगा राइट टू इक्वालिटी में, बराबर लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार। तो बराबर लोग कौन से हैं उसके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ये कोर्ट के जजमेंट्स हैं पुराने। अब वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन अभी तक कम से कम इस मैटर में, आंदोलनकारी वाले मैटर में, हमको नहीं दिखाई देता है, नहीं स्टेट ने वो स्टैंड लिया है। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि साहब अभी तो हमने ये एक्ट निकाला है, वी हैव नॉट नोटिफाइड द रूल्स। किसी भी एक्ट के रूल्स नोटिफाई होते हैं, जब रूल्स नोटिफाइड होंगे उसके बाद में ही ये लागू होगा, तो ये तो केवल एक लेटर है जो अधियाचन भेजा गया था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल करके जो मेरे सामने आया और जो हमने चर्चा भी करी है प्राइवेटली, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टेट ने बोल दिया है, या तो जो एडवोकेट जनरल थे उनको जानकारी नहीं थी और उनको अधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, या फिर हो सकता है कि उनके मुँह से निकल गया। खैर जो भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोलेंगे, इतने बड़े पद पर झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत उच्च चरित्र के व्यक्ति हैं। तो स्टेट जो है उन्होंने कोर्ट में ये बोला है, झूठ नहीं बोला है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क पे लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि अभी तक हमने इस पे कोई भर्ती निकाली नहीं है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, दो चीजें हैं जिन पर ये पहले ही लागू किया जा चुका है। इसका मतलब उन्होंने खुद नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया, मतलब संभवतः उन्होंने अपना ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया, ठीक है। जैसे ये भर्ती आप देखें, अपर निजी सचिव अभी हाल में ही निकली है, और इसमें 3 पद हैं, और यहाँ पर भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित, पोस्ट नहीं दे रखी हैं, लेकिन कैटेगरी रखी हुई है। जैसे बाकी कैटेगरी रखी है ना, क्षैतिज आरक्षण, तो ये रखी हुई है। इसका मतलब है कि आपने इसको कंसिडर करना शुरू कर दिया है। वैसे ही DLED, उसके लिए भी अभी जो आई हुई हैं, आप देखोगे वहां पर भी यही सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि वहां पर ये आरक्षण देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। तो इस आधार पे मेरा सजेशन रहेगा, और मैं रखूंगा वकील साहब से, कि 1-2 हफ्ते जब भी उतना जितना समय ले हो, उसके बाद में कोर्ट के सामने इस तथ्य को लाया जाए, या अगली हियरिंग अक्टूबर में है, जब भी हो, जितना जल्दी हो सके, किसी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया वो जानते होंगे मुझसे बेहतर, वो लेकर के आए कोर्ट के सामने तथ्य कि सर जो हमारे स्टेट के वकील साहब ने बोला है, महाधिवक्ता ने बोला है, वो फैक्चुअली गलत है, और इस आधार पे सभी भर्तियों में इस स्टे को वर्तमान के लिए लागू कर दिया जाए, और उसके बाद सुनवाई हो, और कोर्ट जो भी फैसला सुन करके, दोनों लोगों को सुन करके करे, वो कर सकता है। तो इतनी सी अपडेट मुझे आपको देनी है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न है। देखो बहुत सारे लोग जो चिंता कर रहे हैं कि इससे लोअर PCS का लेट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, फरवरी मार्च तक का तो भाई साहब कैलेंडर में निकल चुका है, और तब तक तो लोअर का एग्जाम है नहीं, और अगर आपका अपर का एग्जाम नहीं है, तो मेरा पूरा आपको ये परामर्श रहेगा कि आप लोअर के लिए अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। ये ना सोचें कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ पहले से ही आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कैसे तैयारी करते हैं वो आपके ऊपर है, आप कोचिंग जाइए मत जाइए, आपको
किताबों से पढ़ना है, नोट्स से पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना है, जो भी तरीका है आपकी तैयारी करने का, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, कम से कम प्री एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, वरना बहुत मुश्किल होगा नोटिफिकेशन निकलने के बाद इसकी तैयारी कर पाना। तो इतनी सी सूचना मैंने आपको देनी थी। आगे जो भी इसमें होगा कोर्ट केस में, वो अपडेट्स भी क्लैरिफाई करने के लिए, एजुकेशनल पर्पजेस के लिए आपके सामने मैं लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू।